अगर आप मार्केट वुल्फ नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्केट वुल्फ के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसान दोनों ही बताने वाला हूं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइज यहाँ पर इस चैनल पर हम इन्वेस्टमेंट ऐप्स के रिव्यू करते रहते हैं जनरली, जहाँ पर हम फायदे और नुकसान दोनों बताते हैं ताकि आप एक डिसीजन ले सकें कि उस इन्वेस्टमेंट ऐप में या ट्रेडिंग ऐप में आपको अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आज की इस सीरीज में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मार्केट वुल्फ के बारे में। तो मार्केट वुल्फ का काफी यहाँ पर ऐड चल रहा है, यूट्यूब पर आपने देखा होगा, गूगल पर आपने देखा होगा। तो बात करते हैं इसके फायदों की सबसे पहले। तो देखिए फायदों में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये सेबी रजिस्टर्ड है? तो हाँ गाइज, ये बिल्कुल सेबी रजिस्टर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। इसके अलावा बीएससी एनएससी का पार्टनर है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन जो है सीडीएसएल और एमसीएक्स की भी मेंबर है। तो यहां पर जो है आपका जो रेगुलेशन से रिलेटेड जो आपका डाउट है अगर, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये जो मार्केट वुल्फ ट्रेडिंग ऐप है ये सेबी रजिस्टर्ड होने के साथ साथ बाकी दूसरी जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कोई मेंबरशिप या पार्टनरशिप इन्होंने ले रखी है। अब बात करते हैं कि ये आपको फायदे क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। देखिए इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहां पर जो है लॉस होने पर अपना कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो आपको ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रोकरेज सिर्फ तभी पे करना है जब आप प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन इन्होंने इनका ब्रोकरेज कितना रहता है ये इन्होंने कहीं भी इनकी साइट पर मेंशन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ट्राई किया वेबसाइट पर ढूंढने का लेकिन मुझे ये चीज नहीं मिली। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेड तो यहां से करेंगे लेकिन ट्रेड करने के लिए आपको कौन कौन से एसेट्स ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक्स में, करेंसीज में, कमोडिटीज में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, यानी कि जो भी एक डीमैट अकाउंट जहां जहां भी आपको ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है वहां वहां पर आप भी इस एप्लीकेशन का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैंने इसमें कोई अकाउंट नहीं बनाया है, मैंने ये सारा वीडियो जो है इनके रिव्यू के बेसिस पर बनाया। मैंने इनका वेबसाइट को सर्च किया, मैंने इनके प्ले स्टोर पर जाकर के इनकी एप्लीकेशन को देखा, वहां पर मैंने रेटिंग्स एंड रिव्यूज को पढ़ा, कमेंट्स को पढ़ा, बाकी जगह दूसरे यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोज देखे। इस तरीके से मैंने रिसर्च करके इसके ऊपर वीडियो बनाया है। हर डीमैट अकाउंट के ऊपर मैं अकाउंट खोल करके वीडियो नहीं बनाता हूं, जहां पर मुझे वर्थ लगता है कि हाँ यहां पर मुझे डीमैट अकाउंट बना करके ही रिव्यू देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी तेजी मंदी के बारे में बताया था, तो तेजी मंदी में मुझे पता था कि हाँ मुझे यहां पर जो है अपना अकाउंट बना करके इन्वेस्टमेंट करके तो 1500-2000 रुपए का वहां पर मैंने पेमेंट किया, फिर अकाउंट बनाया और उसके बाद आपको रिव्यू दिया। बट कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जहां पर ये सब डिटेल इतना जानने की अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वापस आते हैं, बात करते हैं हमारे मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन के बारे में। तो इस मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन के कुछ और फायदे क्या है, यहां पर आपको क्यूरेटेड लिस्ट मिलती है स्टॉक्स की, जिनमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ साथ ये लोग ये क्लेम करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग में हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं और साथ साथ कोई एनुअल चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच है जो हम अभी कॉन्स वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप इस एप्लीकेशन को रेफर करते हैं तो 20% का आपको लाइफ टाइम ब्रोकरेज शेयरिंग मिलता रहेगा, यानी कि जिस भी बंदे को आप रेफर करेंगे वो जितना भी ट्रेड करेगा उस ट्रेड से जितना भी ब्रोकरेज जनरेट होगा मार्केट वुल्फ को, उसमें से 20% का आपको जो है हिस्सेदारी लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेगी। यानी अगर मैं इसमें लिंक लगाता नीचे तो मेरे को भी 20% की हिस्सेदारी जो है लाइफ टाइम मिलती रहती है अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते, लेकिन मैंने यहां पर कोई लिंक नहीं लगाया है क्योंकि उसका रीजन आपको कॉन्स वाले पार्ट में पता चलने वाला है। इसके अलावा बता दूं कि इस एप्लीकेशन के जो फाउंडर एंड सीईओ है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी है। इनकी वेबसाइट कोई बहुत डिटेल वेबसाइट नहीं है, वहां पर कोई एफएक्यूज का सेक्शन नहीं है, कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे सेक्शन वहां पर वेबसाइट में जो जनरली होते हैं वो सब नहीं है। सिर्फ एक लैंडिंग पेज मेरे को दिखा, वहां पर जब आप एक बटन रहता है ऊपर लर्न हाउ, मतलब कैसे चीजें वर्क करेंगी, ऐसा टॉप पर एक बटन रहता है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर जो इनके सीईओ है उसकी उनकी थोड़ी सी कुछ लिखा हुआ मिलता है वहां पर। तो इनके जो सीईओ, उनका नाम है विशेष ढींगड़ा और ये इनको 15 साल से ज्यादा का ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने वहां पर कुछ अपना फोटो और सारी डिटेल वगैरह लगा रखी है। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पर आपको जो है इनका एड्रेस भी मिल जाएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस जो है इनका वेस्ट अंधेरी का है। अगर मैं एग्जैक्टली आपको एड्रेस बताऊं तो 10th फ्लोर सुंदर वन कॉम्प्लेक्स अंधेरी वेस्ट महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। इसके साथ साथ इन्होंने अपना पिन कोड भी मेंशन कर रखा है, तो पूरा एड्रेस जो है इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि क्या आपको इसमें अकाउंट बनाना चाहिए, तो इसके लिए आपको इसके कॉन्स को जानना जरूरी है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए डिसएडवांटेज के लिए मैं सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर लेकर के चलता हूं, वहां पर मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़वाता हूं, कुछ चीजें दिखाता हूं जिससे आपको जो है इस एप्लीकेशन की हकीकत के बारे में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि यहां पर मेरा कोई डीफेम करने का पर्पज नहीं है, मैं ऐसे वीडियो सिर्फ जनरली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूं ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन मिल सके, वो डिसीजन ले सके। यहां पर मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है एप्लीकेशन के बारे में, मैं जस्ट डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर बात कर रहा हूं, जो जो चीजें मुझे प्ले स्टोर पर गूगल पर मिली हैं उनके बेसिस पर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप अपना ओपिनियन जो है इस डेटा के बेसिस पर खुद से बना सकते हैं।
तो देखिए गाइस, जैसे ही आप मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन पर आते हैं, प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं मार्केट वुल्फ, आपको ये एप्लीकेशन दिखाई देती है जहां पर आपको रेटिंग दिखाई दे रही है 3.4 स्टार की और यहां पर जो डाउनलोड्स हैं इनके वो 1 मिलियन के आसपास हो चुके हैं। तो हम इस पर एक बार क्लिक करते हैं और इसके रिव्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको मैं इसके रिव्यूज़ दिखा देता हूं। आप यहां पर देखेंगे इनके जो 5 स्टार कमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और 1 स्टार कमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए जो रेटिंग है वो 3.4 स्टार की बन रही है, जो कि एक मैं कहूँगा बिलो एवरेज रेटिंग है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है हल्का सा, इसीलिए 3.4 स्टार की रेटिंग है, वरना तो 3.7 3.8 स्टार की जो रेटिंग है उसको एक एवरेज रेटिंग माना जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसके सारे कमेंट्स को पढ़ा है, मैंने इसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी पढ़े, 5 स्टार कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं। तो 5 स्टार कमेंट्स में लोग जनरली बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपको ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हम इस पर चलते हैं रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ पर, और यहाँ पर हम 5 स्टार कमेंट पर चलते हैं तो यहाँ पर बताता है कि एब्सोल्युटली ग्रेट ऐप है, इंटरफेस अच्छा है, और यहाँ पर जैसे सुमित आर्या जी लिख रहे हैं, मेन एडवांटेज इज दैट हैज़ अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बताया है कि मैं रिसेंटली इस एप्लीकेशन पर स्विच हुआ हूँ, ये नचिकेत साहू का कमेंट है, इंटरफेस इज स्लीक, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मेरा ड्रीम था, ये एप्लीकेशन मुझे मिल गई, मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। कई लोग बोल रहे हैं कि हम बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, कई लोग बोल रहे हैं कि एडवांस ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छे कमेंट्स यहाँ पर बता रखे हैं। अब हम चलते हैं एक बार 1 स्टार कमेंट्स की तरफ भी, जहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जो है आप सबसे ऊपर देख सकते हैं घनश्याम स्वरूप का कमेंट है, वो लिख रहे हैं मेरे को 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, कोई कस्टमर सर्विस नहीं है, बट स्टिल शोज डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग फॉर वेरीफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा जो 1 स्टार कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लगी, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम, वो ये है कि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग में लोगों को बहुत टाइम लग रहा है। इनफैक्ट कुछ कमेंट्स तो यहाँ पर हम नीचे आकर के देखेंगे कि कई लोग कह रहे हैं, देखिए गौरव मस्की जी कह रहे हैं 3 हफ्ते हो गए हैं उनको वेरीफिकेशन उनका नहीं हुआ, अभी उनका वेरीफिकेशन पेंडिंग है। इसके अलावा यहां पर 18 दिन बता रहे हैं अमन वैद्या जी के, 18 दिन से मैं अकाउंट ओपन करके बैठा हूं। और इसके अलावा एक कमेंट इसमें ऐसा भी था गाइस, जिसमें बता रखा था कि 8 महीने से ज्यादा उनको हो चुका है लेकिन उनका भी अकाउंट ओपन नहीं हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर अकाउंट ओपनिंग का एक इशू आ रहा है। इसके अलावा एक कस्टमर केयर का भी यहां पर इशू आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि कोई यहां पर आपको कॉलिंग नंबर नहीं मिल रहा है, कॉलिंग नंबर के साथ साथ आपको ईमेल आईडी दी जाती है, उस ईमेल आईडी पर यहां पर कोई रिप्लाई टाइम से नहीं आता है। एक बार मैं वाइंड अप कर देता हूं क्या क्या डिसएडवांटेज मुझे यहां पर इसके रिसर्च करने में लगी, उसके बाद आप खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको कोई कॉलिंग नंबर फिलहाल नहीं मिल रहा है। शायद पहले इन्होंने एक कॉलिंग नंबर डाल रखा था, जिसकी वजह से मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी पढ़े थे जहाँ पर लोगों ने बता रखा है कि हमने कॉल किया लेकिन उनका कॉल नहीं उठाया गया। तो शायद पहले इन्होंने कॉलिंग नंबर दे रखा था और शायद पहले ये कोई चार्ज भी नहीं ले रहे थे। अब दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये आता है कि अकाउंट ओपनिंग के लिए ये पैसा चार्ज कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर 999 बोल रहे हैं, 999 रुपीज़, और कुछ लोग यहाँ पर 100 रुपीज़ का भी कमेंट कर रहे हैं। अब कितना एक्चुअली लग रहा है ये इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कहीं शो नहीं कर रखा है। इनफैक्ट इनके ऐप में तो ये लोग बताते हैं कि हम आपसे कोई अकाउंट ओपनिंग या कोई मेंटेनेंस चार्ज अप्लाई नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक कमेंट था मिस्टर शाश्वत अग्रवाल का, जिन्होंने बताया कि उनका अकाउंट ओपनिंग पर 100 रुपये का डिडक्शन हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर ईमेल्स के रिप्लाई लेट मिल रहे हैं। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो ईमेल इन्होंने दे रखी है उस ईमेल का रिप्लाई काफ़ी देरी से मिलता है लोगों को। इसके अलावा यहाँ पर मैंने आपको कुछ और कमेंट्स पढ़ाए जहाँ पर लिखा हुआ था कि 18 दिन और 21 दिन तक उनको लोगों को वेट करना पड़ा अकाउंट ओपनिंग के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पेड कमेंट्स हैं, जो 5 स्टार के जो कमेंट्स हैं, एक पर्टिकुलरली मैं बता भी देता हूँ, नवीन निश्चल जी का कमेंट था, नवीन निश्चल का, और उन्होंने लिखा था कि पेड कमेंट्स है, जो भी 5 स्टार कमेंट्स हैं वो पेड हो सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस ये चीज़ें हैं। यहाँ पर मेरे को क्या लग रहा है कि भाई देखिए, सेबी रजिस्टर्ड तो है, ये सेबी रजिस्टर्ड है, एनएससी बीएससी से इनका मेंबरशिप ले रखी है, सीडीएसएल से मेंबरशिप है, एमसीएक्स से मेंबरशिप है, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी के मामले में मुझे कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ऐप की रेटिंग जो है वो थोड़ी सी कम है। और हो सकता है अगर ये कोई पैसा चार्ज नहीं करे तो इतना पैसा कहाँ से लाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए? ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी कॉस्ट आती है, काफ़ी बड़ी सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये आपको आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, फी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आपको उतनी अच्छी सर्विस ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और अकाउंट ओपनिंग में यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, ये चीज़ तो बट श्योर है, क्योंकि हमने कई सारे कमेंट्स में ये चीज़ देखी भी है। तो आप खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना है। इसके अलावा मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप वहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में, और अगर आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं यानी कि एक दिन से ज़्यादा अगर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, तो आप ज़ीरोधा या एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने यहां पर इस मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन का लिंक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मेरे को अभी ये एप्लीकेशन जो है उतनी मैच्योर नहीं लग रही है। फ्यूचर में अगर कभी होता है कि ये अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर लेते हैं और इस लाइक बन जाते हैं, तो शायद हम कभी इसको भी आगे प्रमोट करने या रेफर करने के बारे में सोचेंगे, बट फिलहाल यहां पर ये एप्लीकेशन जो है वो मुझे अभी प्रमोट करने लायक नहीं लग रही है। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हम इस चैनल पर इसी तरीके के ऑनेस्ट रिव्यूज आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।